रेनु सिंघल आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ना सिर्फ आज के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आने वाले 3-4 महीनों तक ये इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ वॉलेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमारे पास इसी तरह से मोटिवेशन बना रहे। आज की इस वीडियो का मोटिव है कि आपको फरवरी से लेकर मई तक की 3B से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी जाए। फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की 3B से रिलेटेड नोटिफिकेशन है 31 एंड 32। पहले हम नोटिफिकेशन के थ्रू 3B की लास्ट डेट क्या है फाइलिंग की, अलग अलग महीनों की, मीन्स फेब, मार्च एंड अप्रैल की लास्ट डेट फाइलिंग की क्या है उसे डिस्कस करेंगे। फिर एक टेबल के थ्रू आपको समराइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 31। फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन नंबर 31 जो अभी 3 अप्रैल को ही इशू हुआ है। इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में जो लास्ट डेट फाइलिंग की बताई है उसको बहुत डिफरेंट वे से बताया है। उन्होंने सेक्शन लिया इसमें सेक्शन 50। जैसे हम सब लोगों को पता है ये डील करता है इंटरेस्ट से, वहां से पावर लेते हुए उन्होंने 3B की डेट को एक्सटेंड किया है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर हम 3B टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है at the rate of 18% per annum। अब उसी के लिए उन्होंने मेन किस तरह से किया, कहीं पे उन्होंने इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया है, कहीं पे उन्होंने इंटरेस्ट को रिड्यूस किया है और अकॉर्डिंगली लेट फीस को भी उन्होंने वेव ऑफ किया है, उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है। तो देखते हैं सेक्शन 50 मींस इंटरेस्ट के थ्रू वो डेट्स के लिए क्या बात करता है। इसके लिए उन्होंने टर्नओवर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एग्रीगेट टर्नओवर सबसे पहले अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तब, और दूसरा 5 करोड़ से कम है तब। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15 डेज का ड्यू डेट से रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मार्च की 3B हमें कब तक फाइल करनी है, 20 अप्रैल तक। जैसे कि सेगर माइनर में 3B की डेट थी वो आप लोगों को पता ही है, 5 करोड़ से अगर ऊपर टर्नओवर है तो सभी स्टेट्स में उसकी डेट 20 तारीख ही है। तो अप्रैल की, मार्च की 3B की डेट हमारी 20 अप्रैल है तो उन्होंने 15 डेज का रिलैक्सेशन दिया है। मींस 20 अप्रैल में 15 डेज हमने ऐड किए तो हमारे पास आया 5 मई। 5 मई तक अगर आप अपनी 3B फाइल कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट लेवी नहीं होगा, पर अगर आप उसके बाद फाइल करते हैं तो आपको रिड्यूस रेट लेवी होगा। वो कितना, 9% per annum। ये डे वाइज कैलकुलेशन होगी और कब से कैलकुलेट होगा, जब आपके 15 दिन ओवर हो जाएंगे। तो क्या हमें इसके बाद कोई लास्ट डेट दी गई है कि उसके बाद सिर्फ 9% चलता रहेगा? तो उन्होंने लास्ट डेट दी है इसकी हमारे पास ऑन और बिफोर 24 जून 2020। मीन्स अगर आपने मार्च की रिटर्न फाइल करनी है कब तक, 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो 15 दिन का रिलैक्सेशन है, मीन्स 5 मई तक आप उसे अपनी 3B फाइल कर सकते हैं। पर अगर उसके बाद करते हैं तो जैसे कि पहले 18% per annum इंटरेस्ट था, अब 18% नहीं होगा, अब कितना होगा, 9%। पर ये रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट कब तक एप्लीकेबल है, ये रिड्यूस रेट एप्लीकेबल है 24 जून तक। 24 जून तक अगर आप फाइल कर देंगे तो रिड्यूस लगेगा, पर अगर उसके बाद करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% per annum हो जाएगा, और वो भी कहां से, आपकी ड्यू डेट से। जैसे कि मार्च की रिटर्न फाइल होनी है 20 अप्रैल को, तो अगर आपने उसे 24 जून तक भी फाइल नहीं किया तो 20 अप्रैल ऑनवर्ड आपके पास अब रिड्यूस रेट नहीं लगेगा, 18% per annum एप्लीकेबल होगा। और ये रेट कैसे कैलकुलेट होगा, जितने दिन का डिफॉल्ट है उतने दिन पर। तो हमें फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। अब सेकेंड थिंग, अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है, और दूसरा 1.5 करोड़ तक आपके टर्नओवर है, मीन्स 1.5 करोड़ या उससे कम है। अगर आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम है तो आपके पास पूरा रिलैक्सेशन दिया गया है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा,
फेब और मार्च की रिटर्न आपको 29 जून तक फाइल करनी होगी, और अप्रैल की जो डेट दे दी है उन्होंने लास्ट डेट दे दी है 30 जून। फेब्रवरी एंड मार्च 29 जून तक फाइल करना होगा और अप्रैल 30 जून तक फाइल करना होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा फेब मार्च एंड अप्रैल पे, पर कब? अगर आप फेब्रवरी की रिटर्न 30 जून तक, मार्च की रिटर्न 3 जुलाई तक और अप्रैल की रिटर्न 6 जुलाई तक फाइल कर देते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर इन्होंने दो क्राइटेरिया बनाया है, एक एग्रीगेट टर्नओवर का 5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से कम, और दूसरा फिर फर्दर डिवाइड किया कि 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ और फिर अप टू 1.5 करोड़। आप लोग समझ चुके होंगे कि 1.5 करोड़ की बाइफिकेशन क्यों हो गई है, क्योंकि 1.5 करोड़ वाले से अगर टर्नओवर ऊपर थी तो उनकी GSTR 1 की डेट एनुअली फाइल कर मंथली फाइल करनी थी उन्हें, और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी उन्हें GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट फीस का क्या होगा, उसको गवर्न करता है नोटिफिकेशन नंबर 32। अब नोटिफिकेशन नंबर 32 को चेक करते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 32 जो 3 अप्रैल को ही इश्यू हुआ है। हमारे पास सेक्शन 47 में एक प्रोविजो ऐड किया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 शैल स्टैंड वेव ऑफ फॉर द टैक्स पीरियड स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। हम पहले इसको समझ लेते हैं, जो अभी नोटिफिकेशन नंबर 31 हमने पढ़ा उसके अंदर जो ड्यू डेट्स दी हुई थी, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी 3B फाइल कर देते हैं तो लेट फीस आपकी कंप्लीटली वेव ऑफ है, चाहे आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, चाहे आपके टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, चाहे आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के स्लैब में है, चाहे आपके टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ के स्लैब में है। तो मीन्स फेब्रवरी मार्च अप्रैल तीनों महीनों की लेट फीस को वेव ऑफ कर दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 31 के अकॉर्डिंगली उसमें जो लास्ट डेट बताई हुई है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं। अब हम अपनी समराइज टेबल पे चलते हैं और उससे जितना हमने 31 और नोटिफिकेशन नंबर 32 में देखा उसे सम अप करते हैं। तो हमने 3B की लास्ट डेट देखी है फाइलिंग की, टर्नओवर को हमने डिवाइड किया अबव 5 करोड़ 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ एंड अप टू 1.5 करोड़। अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, फैब के रिटर्न फर्स्ट 15 डेज के लिए रिलैक्सेशन है, फैब के ड्यू डेट क्या थी हमारे पास 20 मार्च, 20 मार्च में हमने 15 डेज ऐड किए तो 4th अप्रैल हो गया। अगर आपने 4th अप्रैल तक फाइल कर दी थी तो आपकी इंटरेस्ट लेट फीस कुछ भी नहीं लगेगा, पर अगर आप 5th अप्रैल से लेके 24 जून तक फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 9% नोटिफिकेशन नंबर 31 के थ्रू और लेट फीस भी नहीं लगेगी नोटिफिकेशन नंबर 32 के थ्रू। पर अगर आप 24 जून तक भी फाइल नहीं करते, उसके बाद फाइल करते हैं, तो अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 18% फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स और उस पर लेट फीस भी लेवी होगी। इसी तरह से मार्च की रिटर्न हमें कब तक फाइल करनी है, 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल में 15 दिन ऐड किए तो 5th मई हो गया, 5th मई तक फाइल करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फीस नहीं। पर अगर 6 मई से लेके 24 जून तक फाइल करते हैं तो 9%, 24 जून के बाद करते हैं तो 18% रिस्पेक्टिव ड्यू डेट के बाद से, और लेट फीस भी लेवी हो जाएगी। इसी तरह से अप्रैल की 15 डेज का रिलैक्सेशन है, अप्रैल की हमारे पास ड्यू डेट क्या हुई 20 मई, 20 मई में हमने 4 दिन ऐड कर दे, 15 दिन ऐड किए तो हमारे पास हो गया 4 जून, 4 जून तक करते हैं, कोई लेट फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। पर 5 जून से 24 जून के बीच में पे करते हैं, फाइल करते हैं तो 9% इंटरेस्ट पर लेट फीस नहीं, और अगर 24 जून के बाद करते हैं तो 18% फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। अब अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से तो कम है पर 1.5 करोड़ तक है तो फेब मार्च अप्रैल इनकी डेट फेब एंड मार्च ही है 29 जून एंड अप्रैल की है 38 जून, और दोनों ही तीनों ही महीनों में इन सभी केसेस में इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं लगेगा। पर अगर आपके टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो फेब की ड्यू डेट है 30 जून, मार्च की ड्यू डेट है 3 जुलाई एंड अप्रैल की ड्यू डेट है 6 जुलाई, तो इस तब तक फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं लगेगा, पर इस ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट एंड लेट फीस लगेगा।
तो फ्रेंड्स ये थी फरवरी मार्च एंड अप्रैल की 3B की लास्ट डेट कि आप कब तक फाइल करेंगे, तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा और कितनी लेट फीस लगेगी। इसके साथ हम यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मई की 3B की ड्यू डेट्स क्या है, कब तक हमें वो फाइल करनी है, एज वेल एज GSTR 1 की ड्यू डेट्स में भी क्या एक्सटेंशन हुआ है, क्या उसकी भी लास्ट डेट इंक्रीज हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।